हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज सुनील वर्मा. थैंक्स फॉर सैम आ चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, पूरे देश में चल रहा है 21 दिन का लॉकडाउन और यहाँ चल रही है हमारी होम वर्कआउट सीरीज. तो इस सीरीज़ के अंदर यह है हमारा तीसरा वीडियो. जो पहला वीडियो था वो था हमारा मोबिलिटी एक्सरसाइज का, साथ ही आपका वार्म अप का. जो दूसरा वीडियो था वो था आपका कार्डियो का. तो इन वीडियोज़ के अंदर हमने किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया था. ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर या फिर इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे. आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हैं. तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एप्स वर्कआउट, वो भी विदाउट किसी इक्विपमेंट के. तो टोटल 15 एक्सरसाइज जो कि मैं आपको कराने वाला हूं. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज बिना किसी देरी के. सो फ्रेंड्स, आज की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है बेसिक क्रंच. ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके अपर एप्स के लिए. करना क्या है, आपके पैर आपको रखना है ऐसे, आपके हाथ रखने हैं आपको यहाँ पर और आपकी बॉडी को ऊपर से थोड़ा सा ऊपर उठाना है. तो इस एक्सरसाइज के कम से कम भी आपको 3 सेट करने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका नाम है राइट ऑब्लिक क्रंच. तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके ऑब्लिक्स के लिए. इसमें करना क्या है, पैर रखने हैं आपको ऐसे, आपको एक हाथ रखना है यहाँ पर, ये हाथ यहाँ पर, और एक साइड से आपको मूव करना है इस साइड में. तो इस एक्सरसाइज के कम भी आपको 3 सेट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है लेफ्ट ऑब्लिक क्रंच. सेम वैसे ही आपको रिपीट करना है, ये वाला हाथ रखना है आपको यहाँ पे, ये हाथ यहाँ पे, और आपको जाना है दूसरी साइड में. तो इस एक्सरसाइज के कम से कम आपको 3 सेट करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, हमारी जो चौथी एक्सरसाइज उसका नाम है बाइसिकल क्रंच. तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके एप्स के लिए और आपके ऑब्लिक्स के लिए. तो इसमें आपको करना क्या है, आपके जो पैर हैं वो रखने हैं आपको हवा में, और उसके बाद आपको हाथ रखना है यहाँ पे, और आपके जो पैर हैं और हाथ हैं आपको बहुत ही स्लो मूव करना है. मैंने देखा है काफ़ी लोग गलती करते हैं और काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, पैर जाना चाहिए एकदम सीधे. सो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, आपकी जो पांचवी एक्सरसाइज है उसका नाम है रिवर्स क्रंच. तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके लोअर एब्स के लिए. करना क्या है, आपके जो पैर हैं आपको उठाना है ऐसे और आपको लेना है हाफ क्रंच यानी ऊपर. तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, हमारी जो छठी एक्सरसाइज है उसका नाम है लॉन्ग आर्म क्रंच. तो ये जो एक्सरसाइज है ये है हमारे अपर एब्स के लिए. करना क्या है, आपको आपके जो हाथ हैं ऐसे रखने हैं पीछे, आपके जो पैर हैं वो रखने हैं एकदम सीधे, और आपकी जो अपर बॉडी है इसको आपको उठाना है थोड़ा सा ऊपर. तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, हमारी जो सातवीं एक्सरसाइज है उसका नाम है क्रॉस ओवर क्रंच. तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके एप्स के लिए और साथ ही आपके ऑब्लिक्स के लिए. करना क्या है, आपको पैर रखना है ऐसे, हाथ रखना है ऐसे, आपको एक पैर उठाना है और ये वाला हाथ उठाना है नीचे. तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, हमारी जो आठवीं एक्सरसाइज है उसका नाम है हाफ कर्ल. तो ये जो एक्सरसाइज है वो है आपके अपर एब्स के लिए. करना क्या है, आपको पैर रखने हैं ऐसे, आपके हाथ ऐसे और आपकी जो अपर बॉडी है उसको आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना है. तो ये एक्सरसाइज भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें. इसके बाद दोस्तों, हमारी जो एप्स की नवी एक्सरसाइज है उसका नाम है वर्टिकल लेग क्रंच. तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके जो पैर हैं उनको ऐसे सीधा उठा लेना है, उसके बाद आपको हाफ क्रंच लगाना है आपकी बॉडी ऊपर. बहुत ही स्लो धीरे से करना है, झटके से बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर आप जोर से करेंगे, झट से करेंगे तो आपकी जो नेक है इसमें जर्क आ सकता है
और बाद में आपके जो नेक है उसमें पेन हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी 3 बार आपको करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें, 3 बार मतलब 3 सेट। इसके बाद दोस्तों हमारी जो 10वीं एक्सरसाइज है उसका नाम है लेग रेस। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, अगर आपका जो लोअर बैक है ये थोड़ा वीक है या फिर पेन होता है, आपको अपने हाथ हैं वो ऐसे रखने हैं अपने लोअर बैक के नीचे, आपके जो पैर हैं इनको आपको धीरे धीरे से ऊपर उठाना है और स्लो नीचे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके लोअर एब्स के लिए। तो कम से कम इसके भी आपको 3 सेट करने हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप कर सकें। इसके बाद जो आपकी 11वीं एक्सरसाइज है उसका नाम है लेग होल्ड। सेम ऐसे ही आपको करनी है, आपको क्या करना है, आपके जो हाथ हैं आपको रखने हैं ऐसे आपके लोअर बैक के नीचे, आपके जो पैर हैं आपको रखने हैं ऐसे ऊपर ले जाना है 90 डिग्री पे। इसके बाद आपको धीरे धीरे इसको लाना है 45 डिग्री पे और यहाँ पे आपको इसके होल्ड करके रखना है। तो ये एक्सरसाइज कम से कम भी 3 से 4 बार आपको रिपीट करनी है, जितनी देर आप होल्ड कर सकें उतनी देर आपको होल्ड करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी है आपके लोअर एब्स के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारी जो 12वीं एक्सरसाइज है उसका नाम है नी रेस। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, अपने घर के अंदर आपको कोई भी ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आप हैंग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ढूंढ लिया है मेरा गेट, तो यहाँ मैं आराम से हैंग हो सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे हाथ को चुभे नहीं इसलिए मैंने 2 टॉवल लगा रखे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके पूरे कोर के लिए। इसमें आपको करना क्या है, आपको ऐसे हैंग होना है, आपको आपकी जो नीज है नीज को आपके चेस्ट तक लेके आना है। तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें। इसके बाद दोस्तों जो हमारी 13वीं एक्सरसाइज है उसका नाम है हैंगिंग लेग रेस। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपके लोअर एब्स के लिए। इसके अंदर करना क्या है, आपको जितनी ज़्यादा हाइट पे आपका जो गेट है आपको पकड़ना है ऐसे और आपके जो लो पैर हैं इनको आपको उठाना है ऊपर। तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 सेट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें। इसके बाद दोस्तों हमारी जो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है वो है हमारे ऑब्लिक्स के लिए, यहाँ के लिए, वो भी आपको करनी है हैंग होके। तो वही आपको दोबारा ऐसे हैंग होना है यहाँ पे और आपको अपने जो पैर हैं इसको एक बार ले जाना है यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो ये एक्सरसाइज भी कम से कम भी आपको 3 बार रिपीट करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी ज़्यादा आप कर सकें। इसके बाद दोस्तों हमारी जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है वो है प्लैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे कोर के लिए। करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच ऑन करना है, आपको सेकेंड नोट करने हैं भाई कितने सेकेंड आप कर सकते हो। तो जैसे ये मैंने स्टॉप वॉच आपको ऑन कर दिया है, पोजिशन में आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो बॉडी है आपको ना आपके नीचे न ऊपर, नॉर्मल ये जो पोजीशन है आपकी ऐसे सेट करनी है, स्टॉप वॉच आपको ऑन कर देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको नोट करने हैं 3 सेट आपको करने हैं भाई, मैक्सिमम आप कितने सेकंड तक अपने आप को होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सेकंड नोट करने हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका जो पहला सेट है आपने कर लिया 1 मिनट का, दूसरा सेट आपने कर लिया मात्र 50 सेकेंड्स का और जो तीसरा आप करते हो 40 सेकेंड्स का। इसमें आपको करना क्या है, रोज़ाना आप जब भी करेंगे आप 5-5 सेकेंड बढ़ा के करेंगे। जैसे आज आपने किया 60 सेकेंड का पहला सेट, नेक्स्ट टाइम आप करेंगे वो करेंगे आप 1 मिनट 5 सेकेंड का। इसी तरह से आपको डे बाय डे उसे इंक्रीज़ करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 15 एक्सरसाइज जो कि आप अपने घर पर कहीं भी और कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज के अंदर हमने किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया है। सो दोस्तों ये थी आज की एप्स वर्कआउट। अब हम नेक्स्ट टाइम में लेंगे साइड वर्कआउट, साइड या फिर लव हैंडल जिसे आप बोलते हैं, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को करके ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।